नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन YouTube चैनल पर। फर्स्ट वी रिकॉल डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस कंडीशंस में, किस रिस्ट्रिक्शन के साथ हम डिफाइन कर पाएंगे वो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और कोडोमेन का टेबल बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 89 पर। ये हमने यहां पर सेम अपने पैटर्न से साइन कॉस पहले लिखा, कोसेक सेक फिर लिखा और देन टेन और कॉट लिखा है। इनके डोमेन, इनकी रेंज और ये पीरियड्स हर इंटरवल ऑफ 2π के बाद साइन फंक्शन कॉस फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी। सिमिलरली कोसेक एंड सेक की वैल्यूज रिपीट होगी और टेन और कॉट का पीरियड पाई है तो हर पाई इंटरवल के बाद उनकी वैल्यूज रिपीट होगी। अब एक फंक्शन पहले जरा डिटेल डिस्कस करते हैं। साइन फंक्शन डोमेन इज आर फर्स्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखा, तो वो रियल नंबर्स में हम रेडियन के फॉर्म में नंबर्स लिख रहे हैं, 0 डिग्री या 0 रेडियन, पाई बाय 2 90 डिग्री, पाई 180 डिग्री, 3π/2, ऐसे चलते चले जाएंगे और यहां पर -π/2, -π, -3π/2, -2π एक्सेट्रा। और कोडोमेन में हमने स्टिक किया है -1 से 1, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन कंसीडर किया हुआ है। तो जब रेंज कंसीडर किया इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इमेजेस होंगे। -1, 0, 1 यहां पर नंबर शो कर दिया, मतलब इसके बीच में भी और नंबर्स है, इसके बीच में भी नंबर है और ये 0, 1 के बीच में भी नंबर्स है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम साइन वैल्यू देखते हैं। तो साइन ऑफ जीरो मतलब जीरो मैप्स टू व्हाट नंबर अंडर फंक्शन साइन, तो जीरो साइन जीरो इज जीरो, जीरो मैप्स टू जीरो। पाई बाय टू, साइन ऑफ पाई बाय टू इज वन, साइन ऑफ पाई इज अगेन जीरो, साइन ऑफ 3π/2 इज -1, ऐसे चलते चले जाएंगे आप। अब जरा नेगेटिव डायरेक्शन से यदि हम यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से यदि एंगल फाइंड करके वैल्यूज की बात करें तो -π/2 यानी यहां आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -π/2 यहां आया, यहां पर साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू इज -1, तो ये -π/2 पर साइन की वैल्यू, अरे इसको -1 लिखकर, ओ -1 तो ऊपर लिखा हुआ, ओ -1 यहां लिखो, साइन की वैल्यू -1, -π यहां से घूम के यहां तक के पहुंचे, साइन ऑफ -π, साइन पाई जीरो होता है, साइन ऑफ -π इज -sin π विल बी जीरो, तो -π मैप्स टू जीरो। -3π/2 यहीं से घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, -3π/2 यानी पॉजिटिव y एक्सिस पर आ गया, साइन ऑफ 90 डिग्री का काम कर रही है, -270 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री, तो साइन ऑफ दिस -270 का हो या 90 डिग्री का हो इज 1, मतलब -3π/2 मैप्स टू 1। ऐसे और भी बाकी एंगल्स के लिए हम साइन की वैल्यू देख सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज -1, 0 और 1 के बीच में, इसके बीच में 1/√2, √3/2 ऐसे भी वैल्यूज आएंगे तो सब इनके बीच में लाए होंगे। इसका मतलब ये -1 से 1 के बीच के सारे नंबर इमेजेस हो गए, तो फंक्शन ऑन टू होते तो दिखता है, ऑन टू होते तो दिखता है बट नॉट 1/1, बट नॉट 1/1। तो इस वजह से इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा, ये डोमेन और कोडोमेन के साथ में, ये डोमेन और रेंज के साथ में। तो इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट हो सकता है उसके लिए पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ देखने के बाद फिर कहीं हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्या, जिससे हम 1/1 और ऑन टू दोनों कंडीशन फुलफिल कर सके, सो दैट वी कैन डिफाइन इनवर्स साइन फंक्शन। इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक एक वैल्यू और ऐड कर लेते हैं यहां पर, 2π साइन 2π इज 0, -2π साइन ऑफ -2π
इज अगेन जीरो। तो जीरो पर साइन की वैल्यू जीरो है, मतलब एक्स और वाई दोनों सेम हो गए जीरो। वाई एक्सिस पर वन और माइनस वन मार्क किया है, एक्स एक्सिस पर एंगल्स, ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है वो मार्क किए हैं जीरो। पाई बाय टू पर क्या होगा साइन की वैल्यू, साइन पाई बाय टू इज वन, मतलब यहाँ का इमेज व्हेन एक्स इज पाई बाय टू, मतलब हम ये बात करना चाह रहे हैं वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए ग्राफ देख रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू यदि पाई बाय टू रखा तो y is equal to sin pi by 2, that is 1, यानी 1 से दिखेगा बराबर y की वैल्यू। sin of pi is 0, sin of 3 pi by 2 देखा अभी हमने सब, it is minus 1, sin of 2 pi is 0, इधर चलते negative side में, sin of minus pi by 2, sin of minus pi by 2 is minus 1, तो ये नीचे आएगा, यहाँ पर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस पाई इज जीरो, साइन ऑफ माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस थ्री पाई बाय टू का इमेज वन ये वन, और साइन ऑफ माइनस टू पाई इज जीरो। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो यहां से ऐसा ग्राफ, स्मूथ ग्राफ, ये साइन ग्राफ, और ये कंटिन्यू होते चले जाएंगे, मतलब देखो ये जो लूप है जीरो से टू पाई के, ये जीरो से टू पाई का समान लूप है, यहाँ पर आगे और चलेंगे टू पाई से फोर पाई, तो ऐसा ही लूप रिपीट होते चलेंगे, इसके पीछे भी माइनस टू पाई से माइनस फोर पाई में सेम लूप रिपीट होते चलेगा। तो देयरफॉर साइन फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टू पाई। अब ये जीरो से टू पाई के इंटरवल में यदि हम कोई वैल्यूज देखें जीरो से टू पाई के इंटरवल में, तो यहां पर देखो एक एक्स के लिए सेम वाई मिलेगा, ये दूसरे एक्स के लिए भी यहां पर सेम वाई मिलेगा, ये जो दो डिफरेंट एक्स होंगे ये दो डिफरेंट एक्स के लिए सेम वाई मिलेगा, यानी इसमें जीरो से टू पाई के इंटरवल में ऐसे पॉइंट हो सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स जिनका सेम इमेज हो। ये तो दिख ही रहे हैं पाई बाय टू का इमेज जीरो है, सॉरी पाई बाय टू का इमेज वन है, ठीक है, लेकिन आजू बाजू में कोई दूसरे पॉइंट से भी हो तो उनके दो दो इक्वल वैल्यूज रह सकते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट के इक्वल वैल्यूज रह सकते हैं। तो मतलब ये इंटरवल में यदि हम चलें तो वहां वन वन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो एक काम करके देख सकते हैं, यदि मान लो हम यहां से फंक्शन को ब्रेक करें, ये पाई बाय टू से ये यहां से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू इतना यदि पार्ट कंसीडर करें और फिर यहां से कोई भी एंगल ले ले, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में कोई भी एंगल ले ले, तो ग्राफ से ही समझ में आता है, ग्राफ ये इस तरह से दिख रहा है। तो हर एक्स के लिए एक यूनिक वाई मिलेगा, हर एक्स की एक यूनिक इमेज मिलेगी। तो पूरे इंटरवल, ये जो पूरा जो डोमेन है, पूरे डोमेन में फंक्शन वन वन हो नहीं सकता, लेकिन यदि हम रिस्ट्रिक्ट करें फंक्शन को, साइन फंक्शन फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, ये डोमेन हो गया, और को डोमेन माइनस वन से वन, तो दिस फंक्शन विल बी वन वन एज वेल एज ऑन टू। दिस इज नॉट वन वन, बट साइन फंक्शन दिस इज वन वन एंड ऑन टू, मतलब इस रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में वन वन और ऑन टू फंक्शन मिल रहा है। तो देयरफॉर वी कैन डिफाइन इनवर्स साइन फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स साइन फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज, इसके लिए बात कर रहे, इट इज साइन इनवर्स, ऐसा लिखेंगे, फ्रॉम रोल चेंज हो जाएगा, ये डोमेन था, ये कोडोमेन था, अब रोल चेंज हो गया, फ्रॉम माइनस वन वन से माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू।
तो जब ये फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन के लिए y इज इक्वल टू साइन x ऐसा लिखा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू साइन x। तो जब इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया तो यहीं से बात होती है, इंप्लाई x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। रोल भी वेरिएबल के चेंज हो गए, x यहां था, x यहां रहा होगा, y यहां रहा होगा, तो y इज इक्वल टू साइन x मिला। अब जब इनवर्स फंक्शन की बात हुई तो y तो यहीं पर है ना, x यहां पर है, तो रोल क्या हो गया, x अब ये डिपेंडेंट बन गया इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y, साइन इनवर्स ऑफ y। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन हो गया और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स फंक्शन हो गया। ये अभी हमने एक साइन फंक्शन को लेकर पूरा पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया। अब इसके समान बाकी की जो फंक्शंस के इनवर्स है उनको हम स्टडी करेंगे। अब जरा यहां पर एक्स और वाई के रोल समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कहते हैं तो जब साइन होगा तो वो एंगल पर ऑपरेट होगा, साइन एक्स, एक्स इज ऑलवेज एंगल, साइन एक्स आंसर मिलेगा नंबर्स के टर्म में, यानी जो y होगा ये नंबर्स के टर्म में होगा। साइन ऑफ पाई बाय टू एंगल के फॉर्म में है x, साइन ऑफ पाई बाय टू इज वन y नंबर के फॉर्म में। तो जब साइन फंक्शन की बात कर रहे होंगे तो वो हमेशा एंगल पर ऑपरेट होगा, रिजल्ट विल बी नंबर। जब साइन इनवर्स की बात कर रहे होंगे तो साइन इनवर्स के लिए डोमेन सेट ऑफ नंबर्स है माइनस वन से वन। तो जब साइन इनवर्स की बात कर रहे होंगे तो साइन इनवर्स हमेशा नंबर पर ऑपरेट होगा और रिजल्ट एंगल प्रोवाइड करेगा। जैसे हम यहां पर कुछ एग्जांपल लिखते हैं, साइन ऑफ पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू, साइन ऑफ पाई बाय फोर इज वन बाय रूट टू, देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो जब इनवर्स साइन की बात करेंगे तो वो हमेशा नंबर पर ऑपरेट होके रिजल्ट एंगल में देगा। अभी तक के हमको इसकी हैबिट रही हुई है, साइन पाई बाय टू, साइन थ्री पाई बाय टू, साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय सिक्स, हमेशा एंगल पर हम साइन ऑपरेट करते रहे हैं। अब इनवर्स की बात करनी है तो अब इनवर्स फंक्शन नंबर पर ऑपरेट होंगे और रिजल्ट एंगल देंगे। तो कैसे देंगे, हम रिवर्स वे में सोचेंगे। जैसे यदि हमारे सामने ऐसा आ जाए, साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू, अब ये वैल्यू फाइंड करना हो साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाय टू तो क्या सोचना पड़ेगा, रूट थ्री बाय टू कौन से एंगल का साइन वैल्यू है, ठीक है, कौन से एंगल का साइन वैल्यू है रूट थ्री बाय टू, 30, 60, 90 डिग्री में रूट थ्री बाय टू किसके अपोजिट साइड होती है, कौन से एंगल के अपोजिट साइड होती है, 60 डिग्री, करेक्ट, 60 डिग्री का हो रेडियन में पाई बाय थ्री कहो, पाई बाय थ्री, ठीक है, ये वैल्यू बता दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय टू, साइन इनवर्स किस पर ऑपरेट हुआ, नंबर पर, आंसर क्या मिलेगा, एंगल के फॉर्म में, क्या होगा एंगल, साइन इनवर्स 1 बाय टू, बोलो, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स। तो अभी हमने साइन इनवर्स फंक्शन इंट्रोड्यूस किया, उसके कंसेप्ट क्या होते ये समझा, साइन इनवर्स हमेशा नंबर पर ऑपरेट होगा, रिजल्ट एंगल प्रोवाइड करेगा। अब यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारी बेसिक जो कंसेप्ट है डोमेन और रेंज का, वो वन वन ऑन टू दोनों एक साथ नहीं होता है, हमको उसका ग्राफ ड्रॉ करके देखना होता है। ग्राफ में फिर एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फंक्शन वन वन बन जाता है, वन वन ऑन टू होने की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में हम इनवर्स फंक्शन की बात कर सकते हैं। तो ऐसे करते हुए एक एक फंक्शन देखते हैं अभी। नाउ लेट अस टेक कोसाइन फंक्शन, डोमेन इज आर एंड रेंज इज सेट ऑफ माइनस वन से वन, क्लोज इंटरवल है, सारे पॉइंट्स आगे माइनस वन से वन को इंक्लूड करते हुए, तो डोमेन में हमने रियल नंबर्स को एंगल के फॉर्म में लिखा है, जीरो पाई बाय टू पाई, थ्री पाई बाय टू, टू पाई एक्सेट्रा, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाय टू, माइनस टू पाई एंड सो ऑन।
कॉस वैल्यू की बात करते हैं, कॉस जीरो, बोलो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन, तो ये जीरो मैप करेगा वन पर, ठीक है, जीरो मैप्स टू वन, पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू इज जीरो, तो ये मैप करा जीरो, कॉस पाई वैल्यू ऑफ कॉस पाई माइनस वन, तो पाई की इमेज हो जाएगी माइनस वन। अब यदि फंक्शन का कंसेप्ट समझाए तो आपको सब बातें समझ में आ रही होगी, थ्री पाई बाय टू, कॉस थ्री पाई बाय टू इज जीरो, कॉस थ्री पाई बाय टू इज जीरो, तो दो डिफरेंट एलिमेंट के एक सिंगल इमेज मिल गया, तो यहीं से हम बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट वन वन। और इसके जितने भी एलिमेंट हो गए अभी हमने यहाँ पर 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री और जो बीच के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते हैं वो कंसीडर नहीं किया है, तो वो दिया हुआ है रेंज, मतलब इसके बीच के जो नंबर्स होंगे माइनस वन से जीरो के बीच में, जीरो से वन के बीच में, वो सारे नंबर किसी न किसी एंगल के इमेजेस हो गए, तो ये सारे नंबर माइनस वन से वन तक के इमेजेस है, देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू, बट डिफरेंट एलिमेंट्स का सिंगल इमेज मिल रहा है, देयरफॉर नॉट वन वन। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बाकी भी एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं, कॉस टू पाई वैल्यू ऑफ कॉस टू पाई वन। चलो अब जरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं, माइनस पाई बाय टू मतलब इधर चला, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर आया, तो व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू, कॉस ऑफ माइनस वाई एक्सिस पर हमेशा कॉस जीरो होता है, ये जीरो, माइनस पाई इधर से चल रहे हम, इधर से चल के इधर माइनस पाई, एक्स एक्सिस पर कॉस ऑफ माइनस पाई इज कॉस ऑफ माइनस पाई इज कॉस पाई, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस साइन एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड कॉस ऑफ पाई इज माइनस वन, माइनस वन, तो माइनस पाई मैप्स टू माइनस वन, दिख रहे दो अलग अलग एंगल, पाई माइनस पाई दोनों की इमेज माइनस वन है, वन वन फंक्शन तो नहीं हुआ। माइनस थ्री पाई बाय टू इधर से चल के आ रहे, ये माइनस थ्री पाई बाय टू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थ्री पाई बाय टू, ये माइनस टू सेवेंटी डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का काम करता है, वाई एक्सिस पर आ गया, तो वाई एक्सिस पर कॉस की वैल्यू जीरो, माइनस टू पाई पूरा घूम के एक कंप्लीट रोटेशन लगा के यहां पहुंच गए एक्स एक्सिस पे, तो माइनस 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू जीरो डिग्री, कॉस वैल्यू इज वन, कॉस वैल्यू इज वन, माइनस टू पाई के लिए कॉस वैल्यू इज वन, तो सफिशियंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इतनी बातें। ग्राफ देखते हैं, अभी ये फिगर सामने दिख रही है, वैल्यूज दिख रही है हमको कुछ माइनस टू पाई से टू पाई की रेंज में, उसको यहां ड्रॉ करते हैं, तो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन थी, तो यहां रहेगी इमेज, मतलब वाई इक्वल टू कॉस एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू प्लॉट करते जाएंगे, यहां पर एक्स इज पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू इज जीरो, पहले डॉट लगाते थे बाद में उसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेंगे, पाई कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, तो व्हेन एक्स इज पाई वैल्यू ऑफ वाई फॉर दिस फंक्शन, एक्स की वैल्यू पाई रखने पर वैल्यू ऑफ वाई विल बी माइनस वन, थ्री पाई बाय टू कॉस थ्री पाई बाय टू इज जीरो, टू पाई कॉस टू पाई इज वन, ऊपर चलेगा, ये तो हमने जीरो से टू पाई के बीच में प्लॉट्स कर दिए पॉइंट्स, अब इधर देखते माइनस पाई बाय टू, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय टू जीरो, मतलब जीरो पे रहेगा, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स एक्सिस पर आएगा, माइनस पाई पर वैल्यू इज माइनस वन, तो व्हेन एक्स इज माइनस वन वैल्यू ऑफ वाई इज माइनस वन, माइनस थ्री पाई बाय टू वैल्यू ऑफ कॉस इज जीरो, और माइनस टू पाई जब एक्स की वैल्यू होगी तो वाई इज वन, ऊपर चले गया। अब इसको ज्वाइन करो, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते,
ये स्मूथ कर्व से ज्वाइन हो गया। अब 0 से 2 पाई के इंटरवल में हम देखें, 0 से 2 पाई के इंटरवल में यदि देखें तो ये दो वैल्यू दिख रही है, 0 और 2 पाई, जिसके लिए वैल्यू ऑफ y इज 1। तो ये 0 से 2 पाई में ऐसे कई, यहां पर भी कोई दो यदि x की वैल्यूज हो तो उनके इमेजेस, जैसे यहां और यहां यदि कोई x की वैल्यूज है तो इनकी इमेजेस, ये दो y की वैल्यू सेम दिखेंगे। इसका मतलब फंक्शन 1-1 तो नहीं है, दिस फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1-1। ये ग्राफ इसी के लिए तैयार किया है, ऑन टू फंक्शन है, -1 से 1 इंटरवल के लिए ऑन टू है बट 1-1 नहीं है। तो हम इसमें से कोई ऐसा पार्ट देख सकते हैं क्या जिसके लिए फंक्शन 1-1 हो? तो देखो ये जो पार्ट है यहां से चलकर यहां तक, मतलब इतना पार्ट 0 से 0 है तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू पाई, इसके बीच में यदि हम कोई भी x देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ x है 0 से पाई के बीच में, तो कोई भी x यदि देखे तो उसका यूनिक वैल्यू मिलेगा y का, और वो वैल्यू किसके किसके बीच में लाई होगी, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब फ्रॉम फिगर कॉस फंक्शन को यदि रिस्ट्रिक्ट करे 0 से पाई के लिए डोमेन और कोडोमेन, तो -1 से 1 होगा ही, इज 1-1 एंड ऑन टू, हेंस इट्स इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट एंड इट इज कोसाइन इनवर्स। रोल इंटरचेंज हो जाएंगे, डोमेन और रेंज के रोल, डोमेन और कोडोमेन बोल दो ना, तो रोल इंटरचेंज हो जाएंगे। अब ये बन गया -1 से 1 और कोडोमेन हो गया 0 से पाई। एक और बात ऐड कर देते हैं, जब फंक्शन 1-1 और ऑन टू हो तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है, इनवर्स फंक्शन भी 1-1 और ऑन टू होता है। ठीक है, ये नोट यहां पर लिखते हैं, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज 1-1 एंड ऑन टू, देन f inverse from b to a exists and is also 1-1 and on. f inverse तभी exist होगा जब original function 1-1 और on 2 होगा, f inverse खुद भी 1-1 और on 2 होता है, मतलब f inverse से वापिस हम f में जा सकते हैं, f inverse का inverse discuss कर सकते हैं, and which will be F, इनवर्स ऑफ इनवर्स। और इसी वजह से आप कैलकुलस में जब कैलकुलेशंस करते थे माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए लिखते थे, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल इज द नंबर इटसेल्फ ये लिखा करते थे। ये फंक्शन के टर्म में बात कर रहे थे अपन, ओके, इज ऑल्सो 1-1 एंड ऑन टू, कॉस इनवर्स इज ऑल्सो 1-1 एंड ऑन टू। अब जरा वेरिएबल के टर्म में बात कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स की बात हो रही है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स गिव्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, लिखते समय कॉस इनवर्स y। अब ये जो दो नए सिंबल्स अभी हमने देखे, साइन इनवर्स y और कॉस इनवर्स y, ये हमारे ये सिंबल से अलग है, a पावर माइनस 1 का मतलब होता था 1/a, रेसिप्रोकल ऑफ ए, लेकिन कॉस इनवर्स का मतलब 1/cos नहीं होता है, बट कॉस इनवर्स y इज नॉट 1/cos y, ये नहीं है वो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से साइन इनवर्स y का मतलब 1/sin y नहीं होता है, सिंबल दिखते समय दिखता है हमको लॉ ऑफ इंडेक्सेस में हम a पावर माइनस 1 को 1/a लिखा करते थे,
लेकिन ये पावर माइनस वन स्पेसिफिक फंक्शन डिफाइन करता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो जितने भी हम इनवर्स के फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो ये पॉइंट ध्यान रखने का होगा। अब जब कॉस इनवर्स की बात होगी तो कॉस इनवर्स ऑपरेट होगा नंबर पर और वैल्यू मिलेगी एंगल में। ये यहीं पर इंटरवल, यहां एक्स तो यहां वाई मिला करता था, वो तो अपने अपने डोमेन में रहेंगे, अपने अपने सेट में रहेंगे, तो यहां वाई रहा तो कॉस इनवर्स वाई एंगल के टर्म में मिलेगा एक्स। तो कुछ बातें एंगल, पर्टिकुलर एंगल लेकर कर लेते हैं। वी हैव कॉस ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, तो देयर फोर कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये तो लिखा हुआ इसलिए तुरंत देखकर बता दिए, एट रैंडम यदि पूछे तो जैसे कॉस इनवर्स ऑफ 1 आंसर बोलो, कॉस इनवर्स ऑफ 1 0। और भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है ना, 0 कहां है था, कॉस इनवर्स ऑफ 1, 1 किस किस से मैप हो रहा था, 0 से मैप हो रहा था, माइनस 2 पाई से मैप हो रहा था, 2 पाई से मैप हो रहा था। लेकिन हम आंसर देते समय अब ये जो इंटरवल है ये इंटरवल के आंसर्स लेंगे, ये इंटरवल के आंसर्स लेंगे, मतलब अब रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू आ गई, 1-1 फंक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू आ गई, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक इमेज का एक प्री एलिमेंट, प्री इमेज कहते हैं उसको, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 है, तो कैसे सोचना होगा ऐसा कौन सा एंगल है जिसका कॉस 1/2 आता है, बोलो। अरे कॉस, कॉस 1/2 आता हो, कॉस 1/2 60 डिग्री, रेडियन के टर्म में पाई बाय थ्री कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 दिस इज π/6, तो है 30 डिग्री। तो इस तरह से कॉस इनवर्स की बात हो गई। तो एक बार ये जो दो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के रिस्ट्रिक्टेड इंटरवल में हमने फंक्शन डिफाइन किए, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा और हो सके तो ये जो आगे के फंक्शन है इसको एक बार बुक से जस्ट रीड कीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में इनके बारे में डिटेल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे ये फंक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।